नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे लिस्ट ऑफ हेड्स सीईओ ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण संगठना के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिस्ट ऑफ हेड्स और सीईओ ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं। इसकी वजह से यह जानकारी आपको होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनके हेड है केवी सिवन कैलाश वाडिवू सिवन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। इनके हेड है जिम ब्रिडेस्टाइन, एडमिनिस्ट्रेटर है उसके। उसके बाद है फ्रेंड्स गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, सत्यनारायणा नाडेला। उसके बाद है एप्पल के सीईओ है टिम कुक। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नंबर ऑफ स्टार कर लीजिए फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी में, ये तो उसका फेवरेट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड कौन है? गवर्नर शक्तिकांत दास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खारा, SBI। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, यमार कुमार। उसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, अनिल कुमार चौधरी चेयरमैन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद है फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मनोज जैन उसके चेयरमैन है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन शशि शंकर। उसके बाद है एयर इंडिया उसके चेयरपर्सन है राजू बंसल। उसके बाद है अमेज़ॉन, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, अमेज़ॉन जेफ बेजोस। उसके बाद है इन्फोसिस के है सलील पारेख। इन्फोसिस, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अमेज़ॉन के है जेफ बेजोस, इन्फोसिस के है सलील पारेख। उसके बाद है एससीएल सी विजय कुमार SCL। उसके बाद है पेटीएम, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, पेटीएम विजय शेखर शर्मा। उसके बाद है फ्रेंड्स फोन पे समीर निगम। फ्लिपकार्ट का है कल्याण कृष्णमूर्ति। ओला भाविश अग्रवाल, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ओला भाविश अग्रवाल। उबेर धारा खोसरो शाही। उसके बाद है फ्रेंड्स SpaceX, इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी में इसका बारे में सवाल पूछा गया है, SpaceX बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एलॉन मस्क। उसके बाद है निशान माकोडो उचिदा। ओप्पो इंडिया के है चार्ल्स वांग। उसके बाद है एमआरएफ राहुल मेमेन अपॉइंटेड एज MD राहुल मेमेन। इमिरेट्स क्या है फ्रेंड्स, शेख अहमद बिन सईद अल मक्तूम इमिरेट्स। मनीग्राम डब्ल्यू अलेक्जेंडर होम्स। मनीग्राम
उसके बाद है फ्रेंड्स गो डैडी, क्या नाम है, गो डैडी अमन भूतानी, गो डैडी के हेड है अमन भूतानी, ध्यान में रखिए फ्रेंड। उसके बाद है यस बैंक, उसके बाद है यस बैंक प्रशांत कुमार, यस बैंक के हेड है प्रशांत कुमार। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है, उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा गया है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और हेड है उनके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। उसके बाद है फ्रेंड्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। उसके बाद है फ्रेंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दीपक कुमार पनवार, कौन है, दीपक कुमार पनवार, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुनील अरोरा, कौन है, सुनील अरोरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल आ चुका है फर्स्ट पेज में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड कौन है, डायरेक्टर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, श्री ऋषि कुमार शुक्ला डायरेक्टर है सीबीआई के। उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रीता टियोटिया, रीता टियोटिया चेयरपर्सन। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, भगवान लाल साहनी। फ्रेंड्स नंबर ऑफ एग्जाम में इसके हेड आ चुके हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ट्रिपल स्टार कर लीजिए इसको, भगवान लाल साहनी पहले हेड बने हैं ये, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद है नीति आयोग, नीति आयोग नरेंद्र मोदी, कौन है, नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रमुख भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और वो नीति आयोग के अध्यक्ष है। कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये है एच एल दत्तू, कौन है, एच एल दत्तू, इसके हेड वही रहते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एच एल दत्तू। उसके बाद है नाबार्ड, उसके बाद है नाबार्ड, जी आर चिंताला, कौन है, जी आर चिंताला नाबार्ड। उसके बाद है फ्रेंड सेबी, उसके बाद है सेबी अजय त्यागी, सेबी के हेड है अजय त्यागी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वाई सी मोदी, कौन है, वाई सी मोदी डायरेक्टर जनरल है, वाई सी मोदी है डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद है फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या नाम है, रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। विप्रो, विप्रो के थेरी देलापोर्टे, थेरी देलापोर्टे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर संजू मेहता, कौन है हेड, संजू मेहता। उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। उसके बाद है फ्रेंड एक्सिस बैंक, उसके बाद है एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के हेड है अमिताभ चौधरी। उसके बाद है टीसीएस, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजेश गोपीनाथन, राजेश गोपीनाथन। उसके बाद है ड्रीम इलेवन, उसके बाद है ड्रीम इलेवन, इससे रिलेटेड आरआरबी एनटीपीसी में सवाल आ चुका है, ड्रीम इलेवन के सीईओ कौन है, हर्ष जैन, कौन है, हर्ष जैन। उसके बाद है फ्रेंड्स एएलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, एसएन सुब्रमण्यम, एसएन सुब्रमण्यम, लार्सन एंड टुब्रो, ड्रीम इलेवन के है हर्ष जैन
और TCS के राजेश गोपीनाथन, राजेश गोपीनाथन। तो इसी प्रकार आज हमने लिस्ट ऑफ हेड्स CEO ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।